एक ख़ास इसमें बात है, औरतों को जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके साथ भी इस दवा का ताल्लुक है। अगर किसी वजह से माँ का दूध सूख जाए, मसलन सदमे की वजह से, किसी और वजह से, और दिमाग पे असर पड़ जाए और उल जुलूल बकने लगें, या उससे कम भी हो लेकिन जहन पर बहुत ज़्यादा दबाव हो और मालूम हो कि कुछ जहनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है, ऐसी सूरत में एगेरिकस काम आएगी। आम तौर पर दूध सूखने के लिए पल्स्टिल्ला मुफीद है, लेकिन पल्स्टिल्ला उन्हीं औरतों में काम आती है जिनकी अमूमी इनामतें हैं, मसलन बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्दों का पूरी ताकत से ना उठना, आम कमज़ोरी, उनको हम पल्स्टिल्ला दिलवाते हैं तो खुदा के फल से बड़ी जल्दी आराम से फारिग हो जाती हैं। तो ऐसी औरतों में अगर दूध कम हो तो पल्स्टिल्ला उनका इलाज है, लेकिन अगर किसी और हादसे या ज़हनी दबाव की वजह से या सदमे की वजह से दूध कम हो जाए तो फिर ऐसी औरत के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उस सूरत में एगेरिकस ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर दूध कम होने का इलाज तो हो सकता है, लेकिन अगर ये कमी दिमाग पर हमलावर हो जाए और आप सही इलाज ना करें तो मुस्तकिल ज़हनी मरीज़ा बन सकती है। इसलिए इस पहलू से एगेरिकस को ख़ास तौर पर याद रखना ज़रूरी है। दूध की कमी का जहन की के उलझाओ या तवाज़ुन बिगड़ने से ताल्लुक़ हो तो ये दवा काम आएगी।